हैरी पॉटर देखते हुए कभी ना कभी हमारे दिल में ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश कि हमारे लिए भी कोई चिट्ठी आए या शायद आने वाली हो। वेलकम टू टेक्निकल शीजा और आज हम हैरी पॉटर के बहुत से राजों के बारे में जानेंगे कि ये कैसे इतने मैजिकल लगते हैं। झाड़ू पर बैठ के उड़ने की ख्वाहिश करना वाकई एक अकलमंदी फैसला था या फिर क्या आपको पता है हवाओं में इतना ऊंचा ऊंचा उड़ना सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन की वजह से था और वो इतना ऊंचा उड़ते भी नहीं थे, सिर्फ 30 फीट या इससे कुछ ऊपर जाते थे और बाकी सारा काम एडिटर्स का होता था कि वो उसमें जादू भर देते थे। 90% हैरी पॉटर की मैजिकल चीजों का क्रेडिट जाता है CGI को और एडिटिंग की टीम को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक्टर्स को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर दें। एक्टर्स ने बेहद ज़्यादा मेहनत की है। ऑब्वियसली 30 फीट ऊपर एक झाड़ू पर बैठना और मशीन के जरिए हिलाए जाना कोई आम बात नहीं है। घंटों एक पतले से झाड़ू पर बैठ के बैलेंस करना तो मुश्किल है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है इस तरह से उछलना ताकि उड़ने का इफेक्ट पैदा हो सके। रूपर्ट का ये कहना था कि सोचे आप हवा में 30 फीट ऊपर है, मैंने सिर्फ एक झाड़ू पकड़ी हुई है और वो मेरे ऊपर बॉल फेंक रहे हैं, ये काफी डरावना था। इतना फेम कमाते हुए थोड़े चक्कर तो आएंगे जब रोबोट के जरिए आपको इस तरह से घुमाया जाएगा और झुलाया जाएगा और उड़ाया जाएगा। ये मैजिकल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड में इतना स्केरी है कि वो उड़ते हुए आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। इस दफा मैंने अपने चैनल पे कुछ नया ट्राई किया है, लेकिन इसको कंटिन्यू तभी करूंगी जब आप मुझे बोलेंगे कमेंट्स में कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। एक्टर्स को फ्लाइंग का एक सीन रिकॉर्ड करवाने के लिए बार बार उसको अलग अलग एंगल से करना पड़ता था, वो भी एक झाड़ू पे बैठ के, तो तमाम एक्टर्स के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या हॉगवर्ट्स भी असली था और वो कैंडल्स जो 24 घंटे जलती रहती थी, वेल वो असली थी भी और नहीं भी, लेकिन इसके बारे में मैं आपको इधर नहीं बताऊंगी, ये आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। जादुई दुनिया में हॉकरोक्स को ढूंढने के लिए अपनी जान को तो खतरे में डालना पड़ेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में ग्रीन स्क्रीन है तो फिर खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। जो आग वहाँ क्रिएट की गई थी वो भी सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन की थी, एक्टर्स यहाँ वहाँ बस उड़ रहे थे और खुद को ही छलांगे लगा के गिरा रहे थे बस, बाकी सारा कमाल एडिटिंग का था। गिरने गिराने से याद आया नगीनी के बारे में, जो कि वोल्डेमॉर्ट की स्नेक थी। क्या एक्ट्रेस ने वाकई ही इतना खतरा लिया था कि एक स्नेक को अपने पास रखे, या ये भी एडिटिंग का कमाल था? जी हाँ, जो सांप आप देखते रहे हैं वो एक एडिटेड सांप था, रियल में वो वहाँ था ही नहीं, बस वो डॉट लगा देते थे कि आपने इस मूवमेंट पे हाथ यहाँ हिलाना है, खुद को यहाँ गिराना है, या ये चीज इधर रख के करनी है, जिससे कि उनको पॉइंट्स पता चल जाते थे कि हाँ हमने इस तरह से एक्टिंग करनी है, और बाद में एडिटर्स एक रियल सांप क्रिएट कर लेते थे। अब रियल की बात करें तो शायद आपने सोचा होगा कि वो तस्वीरें असली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तस्वीरें भी ग्रीन स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, इन्हीं का कमाल था, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा एक्टर्स के लिए इमेजिन करना और साथ ही साथ एडिटर्स के लिए एक एक तस्वीर को उसकी उसकी जगह पे लगाना। आई एम श्योर अभी आप बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे कि वो असली थी भी या नहीं, लेकिन 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 मैं सब कुछ इस वीडियो में थोड़ी ना बता दूंगी। अब आप वेट करिए अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे जल्दी से मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने की। अल्लाह हाफिज़।